बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम वर्ब पढ़ेंगे 60 to 80 जो कि ए प्लस से हैं। ए प्लस आपके पास होगा तो आप यहां से देखेंगे और मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा और आपने फिर इसकी करेक्शन जो है वो करते जाना है। ये पांच नंबरों के आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 61 है, शी डैश इन द सन फॉर 2 आवर्स। ये पहले भी मैं पिछली तीनों वीडियोज में आपको बता चुका हूं कि जिस टेंस में सिंस और फार आ जाए उसमें जो है बीन वाला जो है वो ठीक होता है। तो इसमें आ जाएगा शी हैज बीन स्लीपिंग इन द सन फॉर 2 आवर्स के वो धूप में 2 घंटे से सो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है द डैश हेयर अ मंथ एगो। ये भी मैं तीनों वीडियोस में आपको बता चुका हूं, एगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, यानी जो करीब का गुजरा हुआ जमाना आ जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। We should use only second form of verb in this sentence. और इसमें हम कहेंगे they came here a month ago कि वो एक महीना पहले यहाँ आए। लेकिन अलिफ छोड़िए, ये बढ़िए जो है ये past indefinite की पहचान है। Next है आपका 63 जो है the train dash yet at the station। Yet जो है ये negative sentence में use होता है आमतौर पर जो कि present perfect का हो। तो आप कहेंगे the train has not arrived yet at the station कि ट्रेन अभी तक नहीं पहुंची है स्टेशन पर। 64 पे आ जाए, 64 हमारा है माय फ्रेंड्स डैश द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे। ये भी आपको आसान सा रूल मैं समझा चुका हूं, यस्टरडे, अगो, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, सेकंड फॉर्म दे माय फ्रेंड्स सा द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे कि मेरे दोस्त कल प्राइम मिनिस्टर से मिले। नेक्स्ट 65 है वी जनरली डैश उर्दू। जनरली जो है ये एडवर्ब जो में आ जाता है, एडवर्ब जो फ्रीक्वेंसी में, जैसे ऑलवेज हम कहते हैं, नेवर कहते हैं, यूजुअली कहते हैं, तो इनके साथ जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। तो वी जनरली स्पीक उर्दू, चूंकि हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वी के साथ ऐसी आईएस का इजाफा नहीं होता, तो आपने सीधा सा कह देना है कि वी जनरली स्पीक उर्दू। अगर यहाँ पे इसके पीछे ही होता तो फिर आपने कहना था ही जनरली स्पीक्स उर्दू, शी होता फिर भी आपने स्पीक्स कहना था। 66 है इफ ही हैड वर्कड हार्ड, इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ट। ये भी रूल आपका पहले पढ़ा हुआ है कि हैड का और वुड हैव का कॉम्बिनेशन होता है। अगर पहले सेंटेंस में या पहली क्लास में जो है वो हैड आ जाए तो आगे आपने वुड हैव यूज कर देना, अगर पहले वुड हैव आ जाए तो बाद में हैड यूज हो जाएगा। 67 में वुड दैट आई डैश रिच, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि वुड दैट और एज इफ आ जाए जिस सेंटेंस में उसमें हेल्पिंग वर्ब वर यूज होता है। ये एक किस्म की विश होती है, ख्वाहिश होती है कि वुड दैट आई वर रिच, काश में अमीर होता। द थीफ डैश, अब थीफ के आगे जो है चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। एक हैव बीन अरेस्टेड, थीफ के साथ हैव बीन नहीं आ सकता क्योंकि हैव आता है आई वी यू दे और प्लूरल के साथ। द विल अरेस्ट, विल इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये एक्टिव सेंटेंस नहीं है, ये पैसिव है, तो इसको कहेंगे द थीफ हैज बीन अरेस्टेड कि चोर पकड़ा जा चुका है, द थीफ हैज बीन अरेस्टेड। नेक्स्ट है 69, हैड यू इनवाइटेड हिम ही वुड हैव कम, तो ये वही कॉम्बिनेशन हैड का और वुड हैव का, कोई टेंशन नहीं होगी आपको इसको समझने में इंशाल्लाह। उसके बाद 70, आई डैश सिंस 1996, सिंस और फार जिस टेंस के अंदर आ जाए उसमें बीन लाजमी यूज होता है, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1996 के मैं 1996 से यहां पढ़ा रहा हूं। आई डैश कराची इन 1975, आई विजिटेड कराची, मैंने 1975 में कराची का विजिट किया। नेक्स्ट 72वां है इसमें, आई एज वेल एज ही डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। ये भी रूल हम शुरू में पढ़ चुके हैं पहली वीडियो में कि जब दो नाउन्स को, दो प्रोनाउंस को आपस में एज वेल एज के जरिए मिलाया जाए तो जो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वो पहले वाले के मुताबिक करना है, ना कि दूसरे वाले के मुताबिक। ये देखिए ना, आई एज वेल एज ही, अब लगाना आपने ही के आगे हेल्पिंग वर्ब, तो स्टूडेंट गलती ये करता है कि चूंकि उसको ये होता है कि ही के साथ इज यूज होता है तो वो फौरी इज को टिक कर देता है, लेकिन यहां पे आपने आई के मुताबिक लगाना है जो पहले आया हुआ है, जो पहला आपका प्रोनाउन होगा। आई एज वेल एज ही एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट, बस ये बात आपने याद रख लेनी है कि जब भी दो प्रोनाउंस को आपस में एज वेल एज के जरिए मिलाया जाए तो हेल्पिंग वर्ब पहले वाले के मुताबिक लगता है। 73 है, आई डैश द एग्जामिनेशन येट,
ये मैंने पहले भी बताया, येट वाला जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है और उस नेगेटिव लिख रहा होता है, आई हैव नॉट टेकन द एग्जामिनेशन येट। ये फिर रूल सुन लो, येट वाला जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस होता है, हैज नॉट और हैव नॉट और थर्ड फॉर्म उसमें आती है। व्हेन असलम रीच्ड कॉलेज द बेल द पियन वाज रिंगिंग द बेल, ये पास्ट का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि पीछे पास्ट आ रहा है तो आगे भी आपने पास्ट लगाना है, पीछे पास्ट इंडेफिनिट आगे पास्ट कंटिन्यूस लग जाएगा। नेक्स्ट है ही डैश सरप्राइज्ड इफ ही सीज यू, ही विल बी सरप्राइज्ड इफ ही सीज यू, कि वो सरप्राइज होगा जब आपसे मिलेगा। ही डैश अ बुक थ्री डेज अगो, एगो वाला आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, सारी वीडियोस में बार बार आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ही बॉट अ बुक थ्री डेज अगो। मनी डैश द मेयर गो, ये जरूर मिसल है, मनी मेक्स द मेयर गो, मनी मेक्स द मेयर गो, याद कर लेने इसको। दे डैश टू मरी टू मारो, टू मारो जो है नियर फ्यूचर को शो करता है, तो दे विल गो टू मरी टू मारो। ही डैश द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, ही पास द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, ये भी मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया कि लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, यस्टरडे, अगो जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में आता होता है। 80 है द क्लर्क्स ऑन स्ट्राइक सिंस मंडे, ये भी काफी दफा पढ़ा हुआ है, एक दफा नहीं पढ़ा हमने, सिंस और फार वाला जो है वो बीन के बगैर नहीं बनता, तो द क्लर्क्स हैव बीन ऑन स्ट्राइक सिंस मंडे, के क्लर्क्स जो है वो मंडे से स्ट्राइक पर हैं। तो जी अब 60 से 80 तक जो है आपके वर्ब्स हो गए हैं ए प्लस से, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं, आपके पांच नंबर तैयार हो जाएंगे जस्ट इन वीडियोस को देख के। आप सिंपली ये करें कि ए प्लस का पेपर लें, जैसे जैसे वीडियो में बोलता जाता हूं आप वहां से उसको ब्रेक करके पास करके जो है देखते जाएं, और इंशाल्लाह आपको इनमें कोई टेंशन नहीं होगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जितनी भी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं वो आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।